अस्पतालों में स्ट्रेचरों के घूमते पहिए इस बात की गवाही देते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही न जाने कितनी सांसें या तो रूह से टूट जाती हैं या संघर्ष करके इंसान को वापस जीवन दान देकर उसे अपने पैरों पर खड़ा कर देती हैं। दुनिया भर में न जाने हर सेकंड में कितने ही लोग हादसे, बीमारियों व अचनचेत परिस्थितियों में अपने आप को अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में, ऑपरेशन थिएटरों में पाते हैं। उस समय इंसान के लिए मायने रखती है डॉक्टरों की कोशिशें, खुद को जिंदा रखने के लिए खुद से संघर्ष और दुआओं के साथ साथ एक और अहम चीज जिस पर इंसान का जीवन निर्भर होता है और वो है खून। खून एक ऐसी चीज है जिसके साथ कोशिश, दुआ और संघर्ष, ये तीनों जरूरतें जुड़ी हुई हैं। जब किसी को इस बात का आभास होता है कि उसकी अंतिम सांसें सिर्फ और सिर्फ एक बोतल खून पर टिकी हैं, तो उसे पाने के लिए इंसान हर वो कोशिश करता है जिससे उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन अगर हर किसी को लगने वाला यह खून पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ही ना हो तो यह एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। इंटरनेट डेटा की माने तो पूरी दुनिया में हर 2 सेकंड में किसी इंसान को खून की जरूरत पड़ती है। न्यूजीलैंड जैसे छोटे देश में खून की मांग 30,000 यूनिट प्रति वर्ष है और अमेरिका जैसे बड़े देश में यह मांग 3 गुना ज्यादा है। अगर रक्तदाता रक्तदान ना करें तो खून ना मिलने की सूरत में केवल अमेरिका में साल भर में 40,500,000 लोगों की सांसें रुक सकती हैं। यह सारे आंकड़े हमें यह समझाते हैं कि रक्तदान की मांग इसकी उपलब्धता से कहीं ज्यादा है। तो इस जरूरत की पूर्ति के लिए क्या दुनिया में कोई ऐसा प्लांट लगाना संभव है जो इस चुनौती का सामना कर सके, या फिर कोई ऐसी जगह या देश हो जो इतनी बड़ी मात्रा में आम लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए प्रेरित कर सके। उत्तरी भारत के हरियाणा स्टेट की सर्वधर्म संगम संस्था डेरा सच्चा सौदा के संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा पाकर यहाँ के श्रद्धालुओं के लिए खून दान करना एक जुनून है। और दिल्ली के डॉक्टर तो ये कहते थे कि गुरुजी पता नहीं आपने क्या भरा है, हमें 500 यूनिट चाहिए था और 2500 यूनिट देने लोग आ गए। हमने जरा सा फोन किया था कि भाई जरूरत है, 2500 लोग स्किंटों में आ गए अपनी अपनी गाड़ियां लेके। कैसा जुनून है, कैसा जज्बा है। और जुनून भी ऐसा कि खून दान करके इस संस्था ने 77,085 यूनिट देकर विश्व रिकॉर्ड बना डाले। यानी कि न्यूजीलैंड जैसे देश की सालाना 30,000 यूनिट ब्लड की मांग से 2 गुना से भी ज्यादा रक्तदान किया गया। डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालुओं ने गुरुजी द्वारा करवाए गए इस प्रण को अपनाया कि वो दुनिया के किसी भी कोने में खून की जरूरत पड़ने पर खून दान करेंगे। वो किसी की भी जिंदगी खून के बिना व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसीलिए गुरुजी ने इन्हें ट्रू ब्लड पंप का नाम दिया। इनको नाम दिया गया पूरे वर्ल्ड में ट्रू ब्लड पंप। डेरा सच्चा सौदा का यह रक्तदान अभियान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अमली तौर पर काम कर रहा है। न्यूजीलैंड में रह रहे डेरा सच्चा सौदा के शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार यहाँ पर नियमित समय पर खून दान कैंप लगाकर खून व प्लाज्मा दान करते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर दिवस पर सेवादारों द्वारा लगाए गए कैंप में सात संगत की हौसला अफजाई के लिए न्यूजीलैंड ब्लड सर्विस की ओर से डोनर रिलेशंस कोऑर्डिनेटर कैरल कॉमरॉन विशेष तौर पर पहुंची। उन्होंने पूज्य गुरुजी व सात संगत का आभार प्रकट करते हुए शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के नाम प्रशंसा पत्र भेंट किया। न्यूजीलैंड ब्लड की तरफ से एक सालाना रिपोर्ट भी भेंट की जिसमें यह दिखाया गया कि पिछले सिर्फ एक वर्ष में ही इन सेवादारों ने 612 यूनिट ब्लड व प्लाज्मा देकर
करीब 1445 लोगों की जिंदगी बचा ली। उन्होंने यह भी बताया कि डेरा सच्चा सौदा की यह टीम न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड की मैनुकाव ब्रांच में 13 अन्य टीमों को पछाड़ते हुए रक्त व प्लाज्मा दान में पहले स्थान पर चल रही है। इस दिवस पर सात संगत ने भी ब्लड डोनर सेंटर के स्टाफ के साथ केक काटकर इस दिवस की खुशी मनाई। सेवादारों को इस बात पर गर्व है कि पूज्य गुरुजी द्वारा बनाए गए ट्रू ब्लड पंप का वह हिस्सा है और यह पंप पूरी दुनिया के कोने कोने में मानवता को बचाने के लिए अपनी सेवाएं बढ़ चढ़ कर दे रहा है। पिताजी ने जो हमें ट्रू ब्लड पंप का नाम दिया है, ये ब्लड पंप पूरी दुनिया में इसी तरह अपनी सेवाएं देता रहे और कोई भी जिंदगी खून के बिना ना जाए, यही इस ट्रू ब्लड पंप का मकसद है।